दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो वीडियो है हमारी ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करें, कैसे पता करेंगे ट्रांजिस्टर NPN है कि PNP है। देखिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे नए मैकेनिक दोस्त हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब वीडियो है और ज़रूरी भी है। दोस्तों जब तक आपको ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग का नहीं पता होगा, चेकिंग का नहीं पता होगा, तो आप किसी भी सर्किट में काम नहीं कर सकते और आप उसमें बार बार परेशान होते हैं क्योंकि आपको ट्रांजिस्टर की चेकिंग का नहीं पता है और ट्रांजिस्टर की वर्किंग का नहीं पता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई भी चीज़ रिपेयर कर रहे हो, इस लाइन में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको पार्ट्स की चेकिंग और उसके वर्क के बारे में पता होना चाहिए। आप कोई भी PCB, कोई भी कार्ड, कोई भी बोर्ड रिपेयर कर लेंगे अगर आपको पार्ट्स के बारे में मालूम है। और अगर आपको मालूम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगा सकते हैं, ठीक है, और रट्टा लगाने से कभी भी काम में आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जितने भी मेरे नए मैकेनिक दोस्त हैं उनको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बहुत ही अच्छे से देखना है, जब तक समझना है बार बार देखना है। कुछ समझ नहीं आता तो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि मैं जितनी भी नई वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूसरे दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम का लिंक बनाया है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसके द्वारा आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी तीनों पिनों का नाम होता है और तीनों पिनों का अलग अलग कार्य होता है, उसी के अनुसार आपको उसको सर्किट में लगाना होता है। अब आपको नहीं पता होगा कि इसकी पिनों का क्या नाम है, कौन सी पिन का क्या नाम है, यानी हर ट्रांजिस्टर में बेस इमिटर कलेक्टर होता है, आपको पता होना चाहिए बेस कौन सा है, इमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, तभी आप उसको सर्किट में यूज कर पाओगे और उसे चेक कर पाओगे। जिस किसी मेरे भाई को नहीं पता वो आज जान ले, मल्टीमीटर की टेस्टिंग के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर NPN है कि PNP है। मल्टीमीटर के द्वारा ही आप जान सकते हैं आपके ट्रांजिस्टर की कौन सी पिन इमिटर है, कौन सी बेस है, कौन सी कलेक्टर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, ध्यान से देखना है, एक बार में समझ में आई दो बार देखें, क्योंकि ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। किसी भी सर्किट में ट्रांजिस्टरों का वर्क होता है और ट्रांजिस्टरों की चेकिंग आपको आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर बहुत तरह के आते हैं, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, चेकिंग और वर्क सेम है। जैसे मैं बात करूँ, देखिए एक तरह का ट्रांजिस्टर ये है, ये भी ट्रांजिस्टर है, ये भी ट्रांजिस्टर है, SMD भी ट्रांजिस्टर होते हैं, जो SMD टाइप में ट्रांजिस्टर है उनकी भी चेकिंग सेम है, और अदर भी ट्रांजिस्टर आते हैं, उससे आपको कोई भ्रमित नहीं होना है। ट्रांजिस्टर कोई सा भी हो आपको चेकिंग इसी तरह करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके डायग्राम की, यानी जो इसका सिंबल है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कैसा दिखाई देगा, ये देखिए मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों ये सिंबल है ट्रांजिस्टर के, ट्रांजिस्टर के दो तरह के होते हैं, एक NPN एक PNP। आपको दिखाई दे रहा होगा ये सिंबल कि इसमें एक तीर का निशान यानी एरो नीचे की ओर है, ये हमारा ट्रांजिस्टर होता है NPN। दूसरा सिंबल आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें तीर का निशान ऊपर है यानी एरो ऊपर की ओर है, इस ये ट्रांजिस्टर हमारा होता है PNP। ये हमेशा इसका बेस होता है और ये कलेक्टर होता है, यानी एरो वाला जो निशान होगा वो इमिटर होगा सिंबल में, और सामने जो निशान है ये बेस होगा और ऊपर से कलेक्टर होगा सीधे वाला। अब आपको कैसे पता करना है, आपके पास एक सेट आया आप उसे रिपेयर कर रहे हैं, आप उसे चेक कैसे करेंगे कि मेरा ट्रांजिस्टर ख़राब है कि सही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और उसी टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि बेस कौन सा है, इमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। बड़े ही साधारण तरीके से आज मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए इसके लिए हम मल्टीमीटर लेते हैं, मल्टीमीटर को बजर मोड में आपको कर लेना है,
मोटर को थोड़ा मैं इधर रखता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। हमने मल्टीमीटर को अपने बजर मोड में कर लिया और ये देखिए आपको बीप सुनाई दे गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। किसी भी ट्रांजिस्टर में जो बेस होता है, एक प्रोब अपने मल्टीमीटर की, एक प्रोब आप उस पर रखोगे तो बाकी दो जो पिने होंगी उनके ऊपर रीडिंग आएगी, अप एंड डाउन करके रीडिंग आएगी। ठीक है दोस्तों, यानी एक पे कुछ रीडिंग होगी, एक पे कुछ ज़्यादा होगी, एक पे कुछ कम होगी। तो जो पिन आपकी कॉमन होगी, आपकी साधारण सी भाषा में बता दो, जो कॉमन पिन होगी उसको हम बेस बोलते हैं, यानी जिसके ऊपर से हमारे मल्टीमीटर की पिन रखने से दूसरी पिन से रीडिंग आएगी। तो मैं आपको दिखा दूँ, बता दूँ, ये देखिए मैंने ये ट्रांजिस्टर लिया है जिसका नंबर है 2SA1943, ऑडियो का ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं आपको बता दूं, ये NPN है कि PNP है, इसका बेस कौन सा है, इमिटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। मैंने अभी बताया था एक पिन कॉमन होती है, बाकी की दो पिनों से आपको दूसरी पिन से रीडिंग आएगी। तो हम एक पिन को अपनी मल्टीमीटर की एक पिन पर रखते हैं और रीडिंग देखते हैं, देखिए कोई रीडिंग नहीं है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं अपनी पिनों को और यहाँ रखते हैं, ये देखिए रीडिंग आई 516, ये रीडिंग आई 562। ठीक है दोस्तों, इस रीडिंग को मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपके समझ में आए। यहाँ हमने अपनी निगेटिव प्रोब रखी, यहाँ पॉजिटिव रखी, तो हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है 516। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे के ऊपर रखते हैं, ये हमारी आ गई 567। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अभी बताया था एक पिन हमारी कॉमन होती है, तो हमारी कॉमन पिन ये हुई, यानी इस पे हम एक प्रॉब रखते हैं तो इन दोनों पिनों पर रीडिंग आती है, तो ये हमारा बेस हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप किसी और पिन पे रखेंगे इस तरह रीडिंग नहीं आएगी, ये देखिए किसी भी पिन पर रख ले दोस्तों, इस तरह रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, ये इस पर आ गई, इस पर नहीं आई, इस पर आ गई। अब हम इस पर रखते हैं, ठीक है दोस्तों, सब बात समझ में आ रही होगी। जिस पिन पर हम एक पिन अपनी प्रॉब रखते हैं मल्टीमीटर की और बाकी दो पिनों पर रीडिंग देता है, तो जो हमारी कॉमन पिन है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो कॉमन पिन है वो हमारा बेस होता है, बात क्लियर हो गई। एक पिन हमारी निकल के आ गई बेस, यानी ये पिन हमारी बेस है। अब जिसके ऊपर कम रीडिंग है, यानी 516 और 568 आई थी, जिसके ऊपर कम रीडिंग है ये हमारा हमेशा कलेक्टर होता है किसी भी ट्रांजिस्टर में, और ज़्यादा वाला ईमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपके समझ आ गया होगा अच्छे से, और कोई भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए। ये देखिए ये है हमारा C5200, आपको दिखाई दे रहा होगा C5200। अब इसके ऊपर हम रीडिंग लेते हैं, नहीं आई, सिर्फ एक पिन पे आ रही है, एक पे नहीं आ रही, तो ये तो हमारी कॉमन नहीं हुई। अब इस पे लेते हैं, ये भी हमारी कॉमन नहीं हुई, अब इस पर लेते हैं, ये भी हमारी कॉमन नहीं हुई। अब अपनी पिनों को हम चेंज करते हैं, रीडिंग आ गई 617, 623, ये हमारी कॉमन पिन हुई, तो ये हमारा बेस हुआ, ये कलेक्टर हुआ और ये इमिटर हुआ। दोबारा देखते हैं, ये देखिए 617, 623, यानी इस पर कम रीडिंग है इस पिन के मुकाबले। तो जिस पिन पर रीडिंग ज़्यादा होती है मैंने अभी बताया था वो इमिटर हुआ, और जिस पिन पर कम हुआ वो कलेक्टर हुआ। बात समझ में आ गई दोस्तों।
आप अब आसानी से गैस कर सकते हैं बेस कौन सा हुआ, कलेक्टर कौन सा हुआ, इमिटर कौन सा हुआ। अब बात आती है एनपीआर पीएनपी, यानी आपको मल्टीमीटर से कैसे पता चलेगा कि मेरा ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही ईजी है, बस आपको बड़े ध्यान से वीडियो को देखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और घंटे वाले आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर देना। जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देखिए नहीं रीडिंग आई, अपनी पिनों को हम बदलते हैं। यहाँ रीडिंग आ गई, यहाँ रीडिंग आ गई, तो ये हमारा बेस हुआ, हमारा ट्रांजिस्टर ठीक हुआ। दोनों के बीच में अंतर आना चाहिए, दोनों के ऊपर सेम रीडिंग नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? आपको कैसे पता चलेगा ट्रांजिस्टर ख़राब है कि सही है? दोनों के ऊपर सेम रीडिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी बीप नहीं बोलना चाहिए किसी भी पिन पर, ठीक है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर पर बीप बोलेगा, मैं आपको बता दूंगा वो भी किस पर बीप बोलेगा और कौन कौन सी पिन पर बोलेगा वो मैं बता दूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर पर, जब से मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे आगे सिर्फ एक ट्रांजिस्टर ऐसा है जिसके ऊपर बीप बोलता है और वो ठीक होता है, लेकिन उस बीप बोलने में भी आपको रीडिंग देखनी होगी, उसके ऊपर रीडिंग आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो देखिए, तो ये हमारा बेस हुआ, ये कलेक्टर हुआ क्योंकि इसके ऊपर कम है, और ये इमीटर हुआ क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा है। बेस, कलेक्टर, इमीटर। अब ये ट्रांजिस्टर हुआ कौन सा? निगेटिव यानी एन पिन रखी गई, और ये पी और ये पी, यानी दो पी हो गए, तो ये हमारा पी एन पी ट्रांजिस्टर हुआ है दोस्तों। यानी पहले निगेटिव दिख रहा है दोस्तों, पहले निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। तो इसका क्या थ्योरी है कि इस एन को हम बीच में रख देते हैं, तो ये क्या हुआ? पी एन पी, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई? यानी आपका ट्रांजिस्टर रीडिंग दे रहा है निगेटिव पिन पर, तो एन पी एन, वो सॉरी पी एन पी, निगेटिव प्रॉब से आपका ट्रांजिस्टर रीडिंग दे रहा है दो पिनों पर, तो आपका हो गया पी एन पी, और पॉजिटिव से दे रहा है तो एन पी एन। यानी आपकी जो प्रॉब है दोनों, ये इसके उलट आपको देखना होगा, ठीक है दोस्तों। निगेटिव से रीडिंग आई तो पी एन पी, और पॉजिटिव से रीडिंग आई तो एन पी एन। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, पॉजिटिव से रीडिंग ये आई और एक रीडिंग ये आई, तो ये बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर। अब चूंकि मेरी रीडिंग पॉजिटिव से आई है, तो वही एक फार्मूला, पॉजिटिव और फिर दोनों के ऊपर निगेटिव से आई, यानी इसके ऊपर भी निगेटिव, इसके ऊपर भी निगेटिव, तो इसको हम यहाँ से यहाँ रख लेते हैं, तो क्या होगा? एन पी एन, ठीक है दोस्तों। आप गैस कर लोगे आराम से कि एन पी एन कौन सा है और पी एन पी कौन सा है। अब ख़ास बात, कुछ मेरे दोस्त ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, आप सर्किट में लगे लगे भी इनको चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तजुर्बा होना चाहिए, वो आपको धीरे धीरे होगा, कोई तजुर्बा आपको दे नहीं सकता दोस्तों। जैसा आप किसी भी ट्रांजिस्टर की रीडिंग देखते हैं, आपको कंठस्थ हो जाती है, आपको याद हो जाती है ये ट्रांजिस्टर की रीडिंग कितनी आती है, आप सर्किट में लगे हुए उसको चेक कर रहे हो, थोड़ी अप डाउन हो सकती है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, जैसे 500 617 है, 617 की बजाय अगर आप किसी सर्किट में लगा हुआ है और वहाँ 720 आ गई और इसकी 870 आ गई, तो आप गैस कर सकते हो कि ये मेरा ट्रांजिस्टर ठीक है, क्योंकि कोई शॉर्टिंग नहीं है और रीडिंग भी मिसमैच है, रीडिंग भी एक नहीं है। दूसरे, आप कोई भी ट्रांजिस्टर चेक करते हो कभी भी, आपने बेस से कलेक्टर और इमीटर देख लिया, रीडिंग सेम नहीं है, ट्रांजिस्टर ओके है, लेकिन आपको एक बार ही अपना कलेक्टर टू इमीटर भी चेक करना है। कई मेरे दोस्त कलेक्टर टू इमीटर चेक नहीं करते और ट्रांजिस्टर को चेक करके फिर लगा देते हैं। बहुत सारे फॉल्टों में देखा गया है कि ट्रांजिस्टर जो आपका शॉर्ट होता है वो कलेक्टर टू इमीटर शॉर्ट हो जाता है, बेस से शॉर्ट नहीं होता, तो उससे आपको बहुत दिक्कत आती है और आप फॉल्ट में फंस के रह जाते हो, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये जो स्टील वाले होते हैं उसमें भी आपको ऐसे ही देखना है। जैसे मैं आपको दिखा दूं,
इसमें दो पिनें होती हैं, आप कहोगे तीसरी पिन कौन सी, इसकी तीसरी पिन बॉडी होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसकी तीसरी पिन बॉडी होती है। तो हम क्या करेंगे कि इस पिन पर रख कर और अपनी पाँच सौ तिरसठ 541। अब आप बताएं इसमें कौन सा बेस है, कौन सा इमीटर है, कौन सा कलेक्टर है। दोबारा फिर आपको दिखा दूं, ये हमारी कॉमन पिन हो गई क्योंकि दोनों पर रीडिंग आ रही है, यहाँ रीडिंग आ गई 563 और यहाँ रीडिंग आ गई 540। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था दोस्तों मैंने, आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, अभी बताया था मैंने जिस पॉइंट के ऊपर आपकी जिस पिन के ऊपर कम रीडिंग आएगी वो कलेक्टर होगा, जिसके ऊपर ज़्यादा आएगी वो इमीटर होगा। तो ये हमारा बेस हुआ यानी कॉमन पिन है, इसके ऊपर रीडिंग ज़्यादा थी मुकाबले इसके बॉडी के, तो ये हमारा इमीटर है और बॉडी इसकी कलेक्टर है। ठीक है दोस्तों, बात आपके समझ आ गई होगी। अभी मैंने आपसे वादा किया था एक और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर मैंने अब तक अपनी लाइफ में जब से मैं काम कर रहा हूँ ऐसा देखा है जिसके ऊपर डीप आएगी, लेकिन वो ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कौन सा ट्रांजिस्टर है। दोस्तों देखिए दोस्तों, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर ये है जिसके ऊपर रीडिंग बीप आएगी और बीप के साथ रीडिंग आएगी। कितनी रीडिंग आएगी, कैसे आपको इसे टेस्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रांजिस्टर जो हमारा यूज होता है, कहाँ यूज होता है मैं आपको बता दूँ, ये हमारे टीवी के हॉरिजॉन्टल विभाग में यूज होता है, यानी ईएचटी विभाग में जो हमारा ट्रांजिस्टर लगता है वहाँ ये यूज होता है, जो रीडिंग के साथ ही बीप देता है और ये सही होता है। अगर ये बीप के साथ रीडिंग ना दे तो ख़राब होता है। अब इसकी टेस्टिंग कैसे है वो भी मैं आपको बता दूँ, दिखा दूँ। सभी टीवी में रीडिंग वाला नहीं लगता, नॉर्मल भी लगता है, जैसे मैं आपको इसका नंबर बता दूँ, इसको बोलते हैं BU508D। जो इसका दूसरा नंबर आता है वो होता है BU508A। अब इसको डी क्यों बोलते हैं और इस पर रीडिंग क्यों आती है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको उसकी टेस्टिंग दिखा दूँ। ये देखिए, हम एक पिन इससे देखते हैं कि कॉमन कौन सी है। मैंने आपको बताया था जो पिन कॉमन होगी, ये देखिए इसके ऊपर रीडिंग आ गई लेकिन इसके ऊपर नहीं आई, तो ये पिन हमारी कॉमन नहीं हुई। तो हम एक बार अपनी प्रॉब को चेंज करते हैं, यहाँ रीडिंग आ गई 527 और यहाँ रीडिंग आ गई 56। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक हुआ, ये हमारा जो पिन है ये बेस है क्योंकि ये कॉमन पिन है, यहाँ रीडिंग आ गई और यहाँ। अब इन दोनों को अगर पलट कर देखोगे तब भी आपकी रीडिंग इतनी ही आनी चाहिए, यानी 55-56, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये रीडिंग ना आए और खाली बीप बोले, यानी रीडिंग आपकी 5-7 आए, तो ये आपका ट्रांजिस्टर बेकार है। अब ये रीडिंग इस पर क्यों आती है मैं आपको बता दूँ, और हम इसीलिए इसको डी भी बोलते हैं क्योंकि इसके बेस और इमीटर पर जो आंतरिक इसका सर्किट है, इसके बेस और इमीटर पर एक रेक्टिफायर और एक 22 ओम्स या 47 ओम्स की रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी होती है, इसलिए ये रीडिंग देता है। ठीक है दोस्तों, अगर वो रेक्टिफायर जो आंतरिक लगा हुआ है शॉर्ट हो जाता है तो ये काम नहीं करता। अगर आपके पास, आप काम कर रहे हो टीवी के अंदर, आपके पास आपको डी लगाना, आपके पास डी नहीं है, ए है, 508 ए है यानी सिंपल वाला है, तो आप एक रेक्टिफायर बेस टू इमीटर लगा करके अपने टीवी पर वर्क कर सकते हो, अपने टीवी का काम चला सकते हो। दोस्तों आपके समझ आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। अगर आपके पीसीबी से, आपके बोर्ड से ट्रांजिस्टर जल जाता है, फूक जाता है, आप कैसे पता करेंगे यहाँ एनपीएन लगाना है हमें या पीएनपी लगाना है, वो सब मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।